अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पास्ते की रेसिपी। ये मैंने पास्ते को बॉईल कर कर रखा है, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने ये एक टमाटर को चॉप करके रखा है। ये मैंने 8 से 10 कली लहसुन की, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 रेड चिली ली है और ये एक मैंने अनियन को बारीक बारीक चॉप किया है। ये मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने लहसुन रखा था बारीक चॉप करके, वो लहसुन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए फिर हम इसके अंदर जो हमने अनियन को ऐड करके चॉप करके रखा था वो अनियन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने अनियन को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर एक ग्रीन चिली को भी ऐड कर देंगे। ये हमने अनियन और ग्रीन चिली को ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे थोड़ा सा लाल होए तक ये फ्राई करेंगे। ये मैं अपनी स्टाइल में आपको पास्ता बना रही हूँ। वैसे तो पास्ता बनाना हर किसी को आता है, ये मेरी स्टाइल का पास्ता है। आप इसे भी ट्राई कीजिए, ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये आप देख सकते हैं हमारी प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसे हल्की सी और ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अभी हमें थोड़ी सी और प्याज ब्राउन चाहिए। जब ये ब्राउन हो जाए फिर हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी ब्राउन हो चुकी है। हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हम हल्दी पाउडर भी ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। फिर हम इसके अंदर जो हमने टमाटर को बारीक चॉप करके रखा था ना, वो भी हम इसी के साथ साथ इसके अंदर ऐड करके उसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे टमाटर भी हमने इसे ऐड कर दिया है। अब हम टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे क्योंकि चाइनीज़ खाना हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। इसे हम हाई फ्लेम पर ही ऐसे ही भूनते रहेंगे। जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसके अंदर अपने सॉसेज ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा टमाटर थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसे हम थोड़ा सा नमक डाल के हल्का सा और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का सा और सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे। सॉस में मैंने लिया है ये टोमेटो केचप लिया है, ये मैंने सोया सॉस लिया है, ये मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है और ये मैंने पास्ता मसाला लिया है। ये सब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा टमाटर हो गया सॉफ्ट। अब हम इसके अंदर ये ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। ये मैं थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड किया है। ये मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दिया है। अब मैं इसी के साथ साथ इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। ये हमारा सोया सॉस भी ऐड हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटो सॉस को ऐड करेंगे। ये हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटो सॉस ऐड करेंगे। मुझे टमाटो सॉस थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटो सॉस को ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं हमारा सॉस अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। ये हमने पास्ते को बॉईल करके रखा था वो भी हम इसी के साथ साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने पास्ते को ऐड कर दिया है, हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम इसके अंदर ही हमारा पास्ते को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और हम इसके अंदर ये पास्ता मसाला ऐड करेंगे। ये हम पूरी 1 पैकेट इसके अंदर ऐड करेंगे। और मुझे थोड़ा सा टमाटो सॉस कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर टमाटो सॉस थोड़ा सा और ऐड करूंगी।
मैंने आपको बताया मुझे टमाटर सॉस थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड करती हूँ। मैंने इतना ऐड किया, अब मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको इसके बाद डिश आउट कर दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये पास्ते को डिश आउट कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा खुला खुला बना है। इसे हमें उबालने के बाद छन्नी में पलटाने के बाद थोड़ा ठंडे पानी से धो लो तो फिर ये पास्ता ऐसे ही खुला खुला बनता है। ये आप देख सकते हैं हमारा पास्ता कितना अच्छा खुला खुला बना है। आप भी इस पास्ते को बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।